अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश गोरखपुर डिपो के तत्वधान में मंगलवार को परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा एक आम सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने की। इस संबंध में क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन निगम कर्मचारियों द्वारा अपने 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर पूरे क्षेत्र के कर्मचारी उपस्थित होकर धरना देंगे। इस दौरान रामाशंकर पासवान, दुर्गा प्रसाद यादव, रमेश तिवारी, अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, एक एक कर्मचारी परिवहन निगम को बचाने के लिए, परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने अस्मत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हम इसका समर्थन करते हैं। इसमें अस्तित्व की लड़ाई है और तन मन धन से सबको सहयोग करना चाहिए। इसमें आज से कुछ दिन पहले कुछ आवश्यकताओं की आवश्यकता रही, हम लोगों ने अपने हैसियत से जो था वह किया गया। आज भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग रहेंगे, तत्पर रहेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद विषय है कि हमें प्रेरित किया जा रहा है कि हम अदर स्टेट में चलें और जो मेरा मुख्य मार्ग है उस पर प्राइवेट चलाया जा रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा हमारा अस्तित्व खतरे में रहेगा। इसी के साथ कृष्ण श्रीवास्तव, आज हम यहाँ गेट मीटिंग करके कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं कि कल क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर पूरे 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारा धरना चलेगा। सरकार द्वारा जो हमारे परिवहन निगम के निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारा यह आंदोलनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, उसी के कड़ी में आज हमारे यहाँ आम सभा हो रही है और कल क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना होगा। उसके बाद भी अगर हमारे मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो हमारे प्राण से जो निर्देश आएगा उसके अनुसार हम और भी ज़्यादा तीव्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, हमारी मजबूरी है। हड़ताल नहीं है, हम तो आम सभा कर रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं, कोई संचालन नहीं बंद है, सारी बसें चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मध्याह्न काल में, हमारे लंच आवर में हम अपना यहाँ गेट मीटिंग कर रहे हैं। कल हम पूरे दिन वहाँ अपना जो भी कर्मचारी वहाँ जाएगा वो अपना अवकाश लेकर जाएगा। हम हड़ताल पर नहीं हैं, हमारा हड़ताल करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना हम हड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता तो हड़ताल करना भी हमारी मजबूरी होगी, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे।